मैं वापस अभी चार्ट पे आता हूँ। ये कैंडल पे मैं आ गया। ये कैंडल मेरे लिए डिसाइसिव कैंडल है कि नहीं, ये आपको बताना है। पहला कंडीशन क्या था हमारा? प्लेन है। प्लेन है। दूसरा क्या है? इनसाइडर नहीं होना चाहिए। इनसाइडर है क्या? ये किसी के अंदर है क्या? नहीं है। अगले से उसको किसी क्रॉस के कर अंदर नहीं। दिया। किसी के अंदर नहीं, मतलब ये अपना डिसाइसिव कैंडल है, बराबर है। सर इसका ओपन तो नहीं दिख रहा, ओपन किधर इसका? वो एक प्राइस मिनट, में नहीं दिख रहा है। एक मिनट, हो जाएगा। वो वहां पे आ गया होगा सर। अच्छा, ओपन एंड क्लोज, ओपन ये एंड क्लोज का लो, कंडीशन नहीं है। ओपन प्लेन कैंडल किसे बोलेंगे? ओपन इक्वल टू क्या रहेगा? हाई और लो, हाई और लो। हाई और लो, हाई 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 और हाई लो और कोई भी लो, एक जगह पे मैच होगा। करे ये ओपन इक्वल टू हाई है, बराबर। बराबर है। देखो आपको और मैंने बोल दिया कि अगर रेड है तो ओपन इक्वल टू हाई ही रहेगा, ग्रीन है तो ओपन इक्वल टू लो ही रहेगा। ओ ठीक है, अभी ये कैंडल डिसाइसिव है कि नहीं वो बताना है। यस, पहले क्या पूछेंगे खुद को? प्लेन है क्या? प्लेन है ओपन क्या? इक्वल टू हाई ओ है क्या? है। अभी दूसरा क्या? ये कैंडल किसी के पिछले कैंडल के अंदर तो नहीं है? पूछ लो। है नहीं है, क्या? नहीं है। मतलब नहीं है। ये डिसाइसिव कैंडल है। यहाँ पे मार्केट ने एक मतलब एक प्रॉपर यहाँ पे फोर्स शिफ्ट हुआ है मार्केट का। बाइंग सेलिंग जोर से मार्केट में हुआ है। तो यहाँ पे जो भी चीज हुआ ये हमारा काम का, ये कैलकुलेशन में हमें ऐड करने वाले हैं, ये इसका मीनिंग रहता है। ठीक है, जो आगे कैसे करूं? आगे सिर्फ पहचान जाना चाहिए अभी। ठीक है, ये कैंडल अपना डिसाइसिव कैंडल है कि नहीं? नहीं देखने से समझ में आ रहा है कि ये प्लेन नहीं है, बराबर है। है, अगर बराबर। प्लेन नहीं है तो इनसाइडर चेक करने की भी जरूरत नहीं। अगर हाँ, प्लेन है तो वो है प्लेन ही नहीं। होना ही चाहिए। ठीक है ना, ये जो कैंडल में बोलो, ये बोलो प्लेन है, प्लेन कैंडल, प्लेन तो प्लेन है, है। पहला प्लेन कंडीशन है, कंप्लीट हो गया। दूसरा कंडीशन चेक करो, साइड है, ये इनसाइडर नहीं है, प्रूफ इनसाइडर है कि है नहीं ये वो। देखना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? पिछले कैंडल पर का इससे हाँ, पहले ये वाले से इनसाइडर है, हाँ देख लेते। इसका लो कितना है? टू जीरो जीरो डबल नाइन एट फाइव टू जीरो टू डबल जीरो एट डबल टू एट पॉइंट टू मतलब जीरो अभी अगला कैंडल 2088 के भी नीचे आना चाहिए, मतलब 87 समथिंग कुछ तो भी होना चाहिए। सही ना? हाँ, ओके, लेकिन वो देख लो नहीं है। नहीं है, बराबर है। 2088.30 है और ये हाँ, 20 है, मतलब 10 पैसे से बच गया। उसने 20 के नीचे मतलब 2088.20 से और नीचे जाना चाहिए था, लेकिन गया क्या? नहीं। तो ये कैंडल अपना डिसाइसिव कैंडल है क्या? नहीं है। प्लेन है, प्लेन है ना? हेलो, हाँ बोलो। हाँ, प्लेन होना अलग बात है, इनसाइडर प्लेन नहीं है है, लेकिन इनसाइडर, इनसाइडर हाँ नहीं, सॉरी, इनसाइडर है इसलिए डिसाइसिव नहीं इनसाइडर है। है। हाँ हाँ, इनसाइडर है। हाँ बराबर। हाँ, ओके, मतलब प्लेन हो सकता है लेकिन डिसाइसिव रहेगा ही, इसकी गारंटी नहीं है, बराबर है। ठीक है, ये वाला बोलो, प्लेन प्लेन है, है सर, इनसाइडर है क्या? नहीं, नहीं है। नहीं, तो डिसाइसिव नहीं है क्या फिर? है, वो देखने का ही नहीं है। हाँ, डिसाइसिव है कि नहीं? यस, कोई कोई तो भी गलती कर रहे हैं। देखो डिसाइसिव कैंडल मतलब क्या? इट शुड नॉट बी इनसाइडर। हाँ, पहले तो प्लेन होना चाहिए और दूसरा इनसाइडर नहीं होना चाहिए। नहीं होना है। तो फिर दोनों कंडीशन, ये कैंडल सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ओके, तो हाँ इसे हाँ हाँ डिसाइसिव बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे, हाँ बोलेंगे। बोलेंगे। हाँ, तो ये डिसाइसिव है। ठीक है, यस, ओके, ये वाला प्लेन तो है, प्लेन है इनसाइडर है लेकिन सर, इनसाइडर लेकिन है, ये इनसाइडर है, तो इनसाइडर फिर है, डिसाइसिव है क्या फिर? तो देखा ही नहीं, नहीं है, डिसाइसिव नहीं, नहीं है, नहीं काम का नहीं है। ओके, ये ओके, वाला बोलो, नहीं, ये प्लेन प्लेन भी है, नहीं प्लेन है, नहीं, सॉरी, प्लेन भी नहीं है, प्लेन ही डिसाइसिव नहीं है है। सर, देखो प्लेन, प्लेन भी नहीं है, एक तो मिनट, देखना ही नहीं, ओके, तो कोई तो भी देखना ही बोल नहीं। रहा है कि ये कैंडल डिसाइसिव है। सर क्वेश्चन पूछो, बोलो बोलो बोलो, डाउट क्लियर कर लो। ये डिसाइसिव है क्या? तो नहीं पहले सर, प्लेन ही नहीं, तो डिसाइसिव का एक प्रश्न ही मिनट, नहीं एक है। मिनट, अभी मैं बोल रिपीट करता हूँ वापस, किसी को डाउट होगा तो। अगर मैंने बोला ये डिसाइसिव है क्या, मतलब हमें क्या चेक करना है कि भाई ये प्लेन है क्या?
ओके, तो ओपन इक्वल टू हाई या तो ओपन इक्वल टू लो है क्या? तो कुछ भी नहीं है, तो ये प्लेन नहीं नहीं है। अगर प्लेन नहीं तो डिसाइसिव भी नहीं हो सकता, करेक्ट ओके। और अगर प्लेन है तो साथ में वो इनसाइडर नहीं होना चाहिए, तो ही डिसाइसिव रहेगा। तो अभी यहाँ पे ये जो जितने ऊपर नीचे दोनों लाइन दिख रहे हैं, ये सब क्या है? डोजी कैंडल है, बराबर है। तो यहाँ पे वो डिसाइसिव कैंडल बनने का सवाल ही नहीं आता, बराबर। ये मार थोड़ी लगाना वहां पे, ठीक है। इस हिसाब से ये पूरा पूरा ये सब पूरा इनसाइडर था। अभी ये बोलो, ये प्लेन प्लेन तो है, इनसाइडर है सर, इनसाइडर। मतलब डिसाइसिव का एक कंडीशन तो बराबर है, लेकिन दूसरा कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ नहीं हुआ, मतलब ये डिसाइसिव नहीं है, बराबर है। ये वाला ये प्लेन नहीं है तो डिसाइसिव है क्या? नहीं। तो इस हिसाब से मतलब ये पूरे दिन में, सपोज दैट यहाँ पे अगर हम दिन स्टार्ट करेंगे, कहाँ पे स्टार्ट हुआ? ओके, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, समझ लो। ओके, ये डिसाइसिव है क्या? नहीं है, प्लेन ही नहीं है, प्लेन नहीं है, प्लेन है, कोई प्रश्न नहीं। सॉरी, प्लेन है, ओपन प्लेन इक्वल टू लो, प्लेन है, प्लेन नहीं है। आप नहीं, प्लेन है सर, प्लेन है, बराबर। देखो, प्लेन है, मीनिंग ओपन इक्वल टू लो, ठीक है, है बराबर है, प्लेन हो गई, प्लेन है। अभी ये इनसाइडर है क्या? देख लो पीछे, प्लेन और डिसाइसिव नहीं है। तो ये नहीं डिसाइसिव है क्या? नहीं। डिसाइसिव है कि नहीं? नहीं। बीच में मुझे कोई तो भी एक आंसर आ रहा है कि नहीं ऐसा आ रहा, इसलिए मैं इतनी बार पूछ रहा हूँ। देखो, एक मिनट सर, कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, इनसाइडर कैंडल में लग रहा है। हाँ, एक मिनट, ये इनसाइडर है क्या? नहीं है। एक मिनट, मैं रिपीट करता हूँ, अभी किसी ने आंसर नहीं करना है, ठीक है? मैं बोलूंगा तब तक आंसर नहीं करना है। हाँ, देखो क्या होता है कि डिसाइसिव कैंडल किसे बोलेंगे, कि वो पहले प्लेन होना चाहिए, और दूसरा क्या कंडीशन है उसके साथ में, कि वो इनसाइडर नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होता है तो ही उससे डिसाइसिव कैंडल बोलना है, ओके। अभी जिन्हें कंफ्यूजन हो रहा है उनका कंफ्यूजन बताओ पहले, क्या कंफ्यूजन है आपका? सर, मेरा एक तो प्लेन तो मैं समझ पा रहा हूँ, बराबर, वो एक लाइन होना चाहिए, ओपन इक्वल टू लो या तो ओपन इक्वल टू हाई होना चाहिए, बराबर। लेकिन जो डिसाइसिव के लिए जो इनसाइडर कैंडल नहीं होना चाहिए, तो मेरे से गलती ये हो रही है कि मैं वो इनसाइडर कैंडल होता है वो समझ लेना, तो वो इनसाइडर कैंडल नहीं होना चाहिए, उसका कोई मतलब क्या था है? मतलब तो इनसाइडर कैंडल में प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे ये कैंडल, ये इनसाइडर है कि नहीं बताओ आप? यस सर, इनसाइडर, यस यस है, वो बीच में है। हाँ, अगली कैंडल के बीच में है, बराबर। तो ये इनसाइडर अगर है तो डिसाइसिव नहीं रह सकता, नो चांस। ओके, जो है इनसाइडर वो डिसाइसिव नहीं हो, अगर कोई कैंडल इनसाइडर है मतलब वो डिसाइसिव हो ही नहीं सकता। ओके, इनसाइडर नहीं होना चाहिए हमारे पास, निगेटिव कंडीशन है वो अपना। ओके, मतलब या तो ऊपर चला जाना चाहिए या तो नीचे चला जाए, करेक्ट, दो में से। ओके, मतलब क्या है कि वो प्लेन होना चाहिए और इनसाइडर नहीं होना चाहिए तो ही वो डिसाइसिव बन सकता है। अगर वो प्लेन नहीं है तो भी डिसाइसिव नहीं बनेगा, अगर वो इनसाइडर है तो भी डिसाइसिव नहीं बनेगा। ओके, ठीक है, थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा, सिंपल है, ठीक है, इजी है सर, जब यूज करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा ये चीज। ओके सर, ओके। और देखिए सर, कि मतलब आप जब कैंडल स्टिक का पैटर्न पढ़ेंगे ना तो लगभग 50 पैटर्न रहते, समझ में नहीं आता कौन सा पैटर्न बना हुआ है, दो तीन में ही समझ में नहीं, हाँ, वो समझ में नहीं आता कब बन रहा है, और बनने के बाद पता चलता है अरे ये पैटर्न बना था, यहाँ पे ये ट्रेड करना था। वो चार्ट देखने के लिए अच्छा लगता है, जब चार्ट पे वो पैटर्न बदलते तो अच्छा लगता है, लेकिन जब लाइव चलता है तब समझ में नहीं आता, तब दिक्कत आती है, वो मजा नहीं आता उसमें। सर, एक इनसाइडर सिखा दो जरा, एक मिनट। इनसाइडर मतलब क्या? एक कोई कैंडल ऐसा कैंडल बनेगा कि जो पिछले कैंडल के हाई के ऊपर नहीं जा पाएगा या तो पिछले कैंडल के लो के नीचे नहीं जा पाएगा, तो उसे इनसाइडर कैंडल बोलेंगे। ओके, सर है कि नहीं, इसके इसके बाजू वाला इनसाइडर खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा सर? ये वाला नहीं, नहीं इसके बाजू इस वाला एकदम, हाँ ये वाला आप बताओ ना, ये कैंडल जो है ये, हाँ, ये सपोज ये किसी के अंदर है क्या? नहीं नहीं, सबसे ऊपर है वो, तो मतलब कोई तो भी मतलब किसी के अंदर ही नहीं रहे, वो ऊपर निकल गया वो, तो वो, हाँ, वो इनसाइडर नहीं है फिर, तो इनसाइडर भी नहीं है और ये
प्लेन भी नहीं है तो ये डिसीजन कैंडल है नहीं, नहीं प्लेन है, प्लेन है कि नहीं, प्लेन है ना, प्लेन तो है। हाँ तो प्लेन देखो पहली कंडीशन शायद उनको ये कंफ्यूजन हो रहा है, ये डिसाइसिव कंडीशन पहले उन्होंने रीड पढ़ा नहीं रीड। देखो कोई भी कैंडल को डिसाइसिव कब बोलेंगे कि वो प्लेन होना चाहिए पहले, मतलब ओपन या तो हाई से मैच होना चाहिए या तो लो से मैच होना चाहिए। तो पहला कंडीशन है कि प्लेन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है कि वो कैंडल इनसाइडर नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे नो इनसाइडर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये तो दोनों कंडीशन तो वो कैंडल इनसाइडर भी नहीं था और ओपन प्लेन भी नहीं था, प्लेन था, प्लेन था बराबर, और इनसाइडर भी नहीं था बराबर, तो वो कौन सा रहेगा फिर? डिसीजन कैंडल रहेगा, करेक्ट। ओके मतलब वो प्लेन होना चाहिए और इनसाइडर नहीं होना चाहिए। तो देखो द कैंडल विच सेटिस्फाइड बोथ अबव कंडीशन, मतलब ये एक और दो दोनों कंडीशन जो सेटिस्फाइड करेगा उसी कैंडल को हम डिसाइसिव कैंडल बोलेंगे। दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो अपना काम का नहीं है। ओके ठीक है, वापिस थोड़ा दो तीन एग्जाम्पल लेता हूं तो और समझ में आएगा आपको। थोड़ा इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ तो आसानी से समझ में आएगा। ओके चलो ये कैंडल बोलो अभी आप। प्लेन तो है, प्लेन है, प्लेन किसी के अंदर है क्या? नहीं है, तो ये रिसेसिव है, किसी के अंदर नहीं मतलब डिसेसिव है, हो गया काम। यस ओके ये कैंडल बोलो अभी। प्लेन है, प्लेन और इनसाइडर भी नहीं है, मतलब डिसेसिव है। ओके सर कोई एक एक जगह से माइक का ना ऐसा मतलब वो शायद उनका वायर हिल रहा है शायद। ओके तो उससे कंटिन्यू सर तो थोड़ा सा दबा लो आप, जरा चेक कर लो प्लीज। हाँ अभी जो आंसर कर रहे थे तो ठीक है, अभी उन्होंने आंसर नहीं करना है, ठीक है। जो दो तीन लोग आंसर कर रहे थे अभी आपने आंसर नहीं करना है, बाकी लोगों ने आंसर करना है। ये कैंडल इनसाइडर है कि नहीं वो चेक करो। बोलो इनसाइडर है सर, इनसाइडर है कि नहीं है? नहीं है सर, नहीं है, नहीं है। ओके प्लेन है क्या? यस यस है, प्लेन है क्या? है यस है। ओके तो अभी बताओ कि प्लेन भी है और इनसाइडर नहीं है, मतलब ये डिसाइसिव है कि नहीं? जितने भी 26-27 लोग सब लोगों को कोई एक को भी अगर इसमें कंफ्यूजन है तो मैं पूरा कंसेप्ट पूरा एक पूरा जितने भी 1.5 घंटा लिया पूरा चीज रिपीट करने के लिए रेडी हूं। कोई कंफ्यूजन होगा? नो 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 कंफ्यूजन, नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। तो क्या होता है पता है कि सब 40 लोग बैठे ना तो अरे चार लोग बोल रहे तो एक मैं कैसे बोलूं ऐसा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग पे करे आप बोलेंगे तो शायद 9 बजे नहीं मैं 10 बजे खत्म करूंगा, लेकिन जब तक समझ में नहीं आता आज का टॉपिक समझ में आना चाहिए, ठीक है। Yes, ये जो कंपैरिजन करेंगे ये उसी दिन के हिसाब से करेंगे या वीक से या महीने से, मतलब क्या करेंगे डिसीजन? देखो कुछ नहीं है, हमें डिसीजन के लिए क्या करना है, जो भी टाइम फ्रेम हमने लगाया वो टाइम फ्रेम पे कंपैरिजन करना है। ये अभी 15 मिनट के हिसाब से है ना? हाँ, जैसे देखो आपके सामने 15 मिनट का चार्ट लगाया तो आप 15 मिनट पे ही कंपैरिजन करना है। अब और सपोज 2 मिनट के लिए मैं आपके लिए डेली का चार्ट लगा देता हूँ, ठीक है। मतलब कोई भी चार्ट हो अपने को तो उसके अगले कैंडल से टाइम फ्रेम बराबर परफेक्ट। सपोज से एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि अभी ये बताओ ये कैंडल है, ये कैंडल अपना प्लेन है कि नहीं वो बताना है। अभी ये डेली का कैंडल है, ओपन इक्वल टू हाई है, ठीक है। घर में से आवाज आ रही है, बच्चों का आवाज आ रही है, लिफ्ट कर दीजिए सर। नहीं सर लिफ्ट नहीं कर दे, संजय सर देखो क्या होता है सब दो जगह से आवाज आ रहा है। हाँ अभी बंद हो गया। संजय सर, संजय सर आपके वहां से शायद जिनके वहां से आवाज आ रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं, उनको ऑलरेडी पता है कि अपने वहां से आवाज आ रहे मीटिंग में। हाँ बस वो थोड़ा समझ ले तो अच्छा, ठीक है। तो चलो 1 मिनट के लिए बात करते हैं। ये कैंडल बोलो ये प्लेन है क्या? नहीं है, है प्लेन है,
प्लेन ओपन तो है, हाई प्लेन। और ये इनसाइडर है क्या? नहीं इनसाइडर नहीं है, मतलब डिसेंसिव है। इंसाइडर नहीं है मतलब ये कैंडल जो 25 जून को मार्केट में मूवमेंट हुआ था डेली बेसिस पे, ये डिसाइसिव मूवमेंट था कि नहीं था? था बराबर है। यस मतलब जो सर पूछ रहे, देखो आप ना यहाँ पे चार्ट कोई भी लगा लो, कंडीशन वो चार्ट पे सब आप प्रीवियस कैंडल जब चेक करेंगे, अगर डेली का चार्ट लगाएंगे तो डेली के कैंडल से कंपैरिजन करेंगे, अगर 15 मिनट का लगाएंगे तो 15 मिनट के कैंडल से कंपैरिजन करेंगे। सर अगर मैं क्या बोलता हूँ, ये डेली का लगाया, अगर अभी मैं 2 बजे का और कंपेयर करूँ तो पिछले दिन का भी कंपेयर कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन वो टेंशन मत लो, जब मैं इंट्राडे काम करूंगा तो कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर मैंने सपोज आपके सामने 15 मिनट का चार्ट लगा के रखा तो उसमें डिसेसिव कैंडल आपको ढूंढते आना चाहिए। अगर मैंने आपको सपोज दैट 1 दिन का चार्ट लगा के दिया तो 1 दिन के कैंडल में डिसाइसिव कैंडल ढूंढते आना चाहिए, या तो प्लेन बना ये ढूंढते, कोई भी टाइम फ्रेम में आपको जो कंडीशन मैंने बताया उससे आपको स्टडी करते आना चाहिए। बात करता हूँ ओके। और मैं ये सिर्फ इक्विटी कैश के लिए क्या फ्यूचर के लिए इस ये भी नहीं बोल रहा हूँ, पूरा मार्केट में कहीं पे भी यही कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है, कमोडिटी करेंसी सब में, सब जगह पे। समझ में आ गया सबको? हाँ सर। यस ओके। अभी और किसी को, देखो शायद 4-5 लोग बात करें, इसमें से जितने भी लोग बाकी बात नहीं कर पा रहे, किसी को ऐसा लग रहा है कि सपोज दैट पता नहीं मैं यहाँ पे बात करूँगी कि नहीं, तो अभी जो भी रिकॉर्डिंग ये सब कुछ हुआ है, ये रिकॉर्डिंग में आपको ये सेशन खत्म होने के बाद वापस देने वाला हूँ, ठीक है? वापिस सुनो घर पे, अगर डाउट आएगा तो दिन भर में कभी भी कॉल कर सकते हो। समझ में आ रहा है? Yes, okay, मतलब कभी कभी ऐसा ना सबके सामने पूछूंगा नहीं पूछूंगा ये जो भी डाउट है, देखो क्या होता है कि ये कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है, कल सिस्टम समझ में आ जाएगा आपको। बहुत बढ़िया समझा रहे सर, ठीक है।